नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्र और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। विधानसभा जहां जनहित के मुद्दों को लेकर आए दिन बहस होती है, हंगामा होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जुबानी तीर चलते हैं, सदन की कार्यवाही भी स्थगित होती है, लेकिन कुछ देर के लिए या फिर अगले दिन तक के लिए। लेकिन आज जो सदन में हुआ वो शायद पहली ही बार था। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सत्ता पक्ष के मंत्रियों पर इतना गुस्सा हुए कि सदन की कार्यवाही को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। आज शायद दिन ही हंगामे के नाम था। सुबह शून्यकाल की शुरू होते ही मदन दिलावर की टिप्पणी को लेकर इतना बवाल हुआ कि आखिरकार सत्ता पक्ष की मांग और सभापति के कहने पर दिलावर को माफी मांगनी ही पड़ी। तो वही कानून व्यवस्था को लेकर भी दोनों पक्ष आमने सामने हुए और इसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के जवाब के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। हिंदू मुस्लिम कितनी होगा बनाने का काम करते हो, कितनी होगी, क्या बोला क्या है पहले ये तो देखो आप, बोला क्या है ये तो देखो आप, क्या बोला सभापति महोदय, बात करो बाहर निकालो ना, ये क्या राठौड़ साहब शर्म आनी थी, शर्म ही नहीं आती आप, ये चौपड़ तो नहीं है लेकिन ये आपका घर भी नहीं है, ये और किसी का दिखाया, आपके खड़े होने से क्या हो जाएगा, बैठ जाओ। और आज सदन में पूरे दिन छाए रहे मुद्दों और हंगामे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी विधायक अभिनेश महर्षि जी हैं, कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही एसपी मित्तल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अभिनेश जी आपसे ही करते हैं। आज जिस तरह से हंगामे का दिन ही रहा और आज जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ, जब डॉक्टर सीपी जोशी ने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि एक तो इंतजार होता है कि विधानसभा की कार्यवाही हो आमजन को, क्योंकि आप लोग जनता के ही मुद्दों को लेकर आते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो इतना कीमती वक्त होता है वो बहस की वजह से बर्बाद हो जाता है। क्या कभी ऐसा होगा कि ये सब रुक सके? और आज पूरा दिन जितना कुछ हुआ है किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती थी, और क्या आप मानेंगे कि किसकी वजह से इतना हंगामा हो गया, क्योंकि बीजेपी भी उसमें शामिल थी, कांग्रेस भी? देखिए, स्थगन के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा हो रही थी। मदन दिलावर जी की चर्चा के बाद में मैंने चर्चा शुरू की। ये सर्वविदित है, राजस्थान के अंदर जिस तरह की लचर कानून व्यवस्था है, जिस तरह से 4 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की महिला असुरक्षित महसूस करती है, थाने में दुष्कर्म हो जाता है, आप एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है, कोई ऐसी जगह नहीं है, अस्पताल में दुष्कर्म हो जाता है, पुलिस के अंदर एक जो आम आदमी को तो भयभीत कर रखा है पुलिस ने, और अपराधियों से साठगांठ करके पुलिस ने उनको खुला छोड़ रखा है। हालात इतने खराब हैं, चाहे बजरी माफियाओं की बात कर लो, खनन माफियाओं की बात कर लो, शराब माफियाओं की बात कर लो, या अन्य किसी भी तरह के अपराध की, जयपुर जैसी राजधानी के अंदर लोगबाग बाहर से शूटर आते हैं और सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। ये इतने खराब हालात थे जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान ही, जब ये मैं फिर दोबारा कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं जी, कि देश के निर्माण में जो संगठन लगे हुए हैं, जिन्होंने अपने घर बार को त्याग दिया है, जिन्होंने देश के लिए समर्पण कर दिया है अपने जीवन का, उन लोगों को फंसाने की साजिश राजस्थान की सरकार कर रही है। मैंने भी इस बात का जिक्र किया और फिर जिक्र कर रहा हूं, और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो लोग पिछले कोरोना काल के अंदर जिन लोगों ने सेवा भाव के साथ में लोगों के साथ में सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाई, वो निभाने वाले लोग कौन लोग थे? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, और उनका जब जिक्र किया तो कांग्रेस के मित्रों को ये बात पसंद नहीं आई, और मुझे दुर्भाग्य के साथ में, दुर्भाग्य इस बात का, मुझे अफसोस के साथ में ये बात कहनी पड़ रही है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिम्मेदार मंत्री, और वो जिस तरह से नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा करके जिस तरह से खड़े होकर के हंगामा करते हैं, ये हंगामे की भेंट चढ़ाने वाले सत्ता पक्ष के लोग थे, और इसी बात से नाराज होकर के सीपी जोशी जी ने अनिश्चितकाल के लिए इस विधानसभा को स्थगित कर दिया। ठीक है, रफीक खान जी, आपने सुना अभिनेश जी ने क्या कहा, और आज दिन भर सभी ने देखा, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा कि विधानसभा के अंदर क्या हो रहा था। सवाल ये है कि जब मुद्दे आते हैं, सवाल आते हैं, उसका जवाब मंत्री देते हैं, आखिर हंगामा होने क्यों लगता है, क्यों नहीं सुना जाता है, चाहे वो सच हो या नहीं, भले ही आप उस बातों से इत्तेफाक रखें या नहीं, जवाब देने का तो वक्त मिलता है, हंगामे का ही दिन रह गया आज पूरे कार्यवाही के दौरान। आपने बिल्कुल सही कहा जी, और मैं मेरे साथी मित्र को बता दूं, ये बोले मेरे कांग्रेस के मित्रों को पसंद नहीं आई, ये भी मेरे कांग्रेस के मित्र रहे हैं, जीवन भर कांग्रेस की शाखा पे बैठ करके वहाँ पहुंचे हैं,
जिंदगी इन्होंने पूरा समय कांग्रेस में ही बिताया है। कांग्रेस की कारगुजारियों से परेशान होकर के, कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर के बीजेपी में चले गए, राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए भारतीय जनता पार्टी का पावर बोलने के लिए बीजेपी में चले गए। आज गर्व है अभिनेश भाई, पूरी बात सुनिए, बात सुनो, मुझे गर्व है इस के ऊपर। बिल्कुल अभिनेश जी, ये आपकी बिल्कुल आपका पसंद था पुलिस पार्टी में, बिल्कुल ठीक है, नहीं आप कांग्रेस में बिल्कुल थे लेकिन अभी बीजेपी में बिल्कुल सुनते हैं जी। कारगुजारियों को अच्छी तरह से कोई नहीं जानता है। चलिए ठीक है, आपने आपको चार घंटे एक बिल पे बोलने का मौका दिया, जब मंत्री का नंबर आया तब आपने मंत्री को बोलने नहीं दिया। कोई मंत्री का नहीं, बीच के अंदर चार मिनट के बाद में मंत्री ने इंटरप्ट कर दिया। मंत्री आपको और मंत्री को कोई अधिकार नहीं है, मंत्री इनको आप हमारी बात से मंत्री की बात सुनते हैं, जवाब देने का जब समय आए उस समय आप बोलते हैं, क्या बचकानी हरकतें करते हैं, सदन का समय जाया करते हैं, राजस्थान की सरकार का समय जाया करते हैं। ये बात कर रहे हो जिस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी उस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे, कानून व्यवस्था की बात पे दूसरी बात कर रहे, चर्चा हो रही थी। और अभी सुरक्षित है, मैं इनसे पूछता हूँ, ये जो अपराध की दृष्टि से अभिनेश अभिनेश जो आदमी आ रहे हैं, जो यहाँ क्राइम कर रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो हरियाणा यूपी से आ रहे हैं, क्या कर रही है रफीक जी बिल्कुल देखिए, हंगामा तो हुआ, अगर इन्होंने सवाल भी किया और जवाब, और अभिनेश जी ये सवाल उठाए, मंत्रियों ने भी ये शिकायत की कि जब मंत्री को जवाब देना होता है तो आप लोग बोलने नहीं देते, जवाब आए कैसे, मंत्री बीच में खड़े हो जाते हैं। मैं जब बोल रहा हूँ कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूँ, उसके अंदर सारे मंत्री बीच में खड़े होकर के टोकते हैं, और टोकते नहीं है वो, सदन को स्थगन कराने तक चले जाते हैं, ये मंत्रियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और इसी बात से नाराज होकर के विधानसभा अध्यक्ष जी ने अनिश्चितकाल के लिए कर दिया, स्थगन को स्थगित कर दिया। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी मैं साथ हैं। एसपी मित्तल जी, दिन भर आज जो विधानसभा में कार्रवाई के दौरान हुआ, हंगामा हुआ, और शाम होते होते तक डॉक्टर सीपी जोशी ने जिस तरह से नाराजगी व्यक्त की, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, ये क्या हो रहा है विधानसभा के अंदर? बहुत लिमिटेड टाइम था इस बार इस कार्रवाई को लेकर, और बहुत सारी उम्मीदें इस कार्रवाई से जुड़ी हुई थी, लेकिन अगर हंगामा होता रहेगा तो जनहित के मुद्दे तो रह जाएंगे, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर फैसले होने चाहिए, किस रास्ते पर जा रही है ये कार्यवाही? श्वेता जी, ये जो सत्र जो विधानसभा का था है वो 9 तारीख को शुरू हुआ था, जिसको 18 तारीख को समाप्त होना था, कुल 10 दिन का सत्र था, और अभी 5-6 दिन निकल गए, लेकिन मुश्किल से दो दिन ही इसमें काम हो पाया। मैं अपनी बात कहने से पहले ये जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी 12 तारीख को इसी विधानसभा में, जहां दिन पर हंगामा हुआ, इसी विधानसभा के अंदर संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं पर एक सेमिनार हुआ, और उसमें क्या नाम से कांग्रेस के बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आए, और उसमें एक तरह से यह संकल्प लिया गया कि यदि विधानसभा की गरिमा होगी तो फिर विधायकों की भी गरिमा होगी। ये उसका लगभग हुआ पूरी सेमिनार का, बिल्कुल 13 तारीख को हुआ। जानते हैं कि इस सेमिनार को आयोजित करने के अंदर जो विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन दो दिन पहले जो हमने संकल्प लिया, दो दिन पहले जो हमने सीखा, मुझे लगता है कि शायद आज दोनों ही दलों के विधायक है उस मापदंड पर खड़ा नहीं उतर पाए। राजसभा आज की घटनाक्रम का तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी के जुड़े व्यक्ति होते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर अध्यक्ष हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो सरकार के हितों की रक्षा करें, भले ही चाहे वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, वो विपक्ष का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अल्टीमेट उनका उद्देश्य यही रहता है कि सरकार को कोई ऐसा स्थिति सामना न करना पड़े। लेकिन आज जब सीपी जोशी साहब जब विपक्ष के नेताओं से भी बात कर रहे थे, जब वो वैन में आ गए तो उनपे भी उनको एतराज था, और हम देखते हैं कि सीपी जोशी साहब बहुत सख्त विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि सत्र अच्छी तरह चले, लेकिन जब मंत्रियों ने उनका कहना नहीं माना तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अनोइड हुए, और उन्होंने बहुत ही आवेश में, हम देखते हैं कि वो कई बार बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, और आज जिस तरीके से वो उत्तेजित हुए, तो आप ये देखिए कि विधानसभा में जब अनिश्चितकालीन के लिए सत्र को स्थगित किया गया तो जो परंपरा है कि राष्ट्रगान होना चाहिए वो राष्ट्रगान भी नहीं हुआ और अनिश्चित काल क्यों गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि अभी तो जो बिल जो प्रस्तुत किए थे, इस सत्र में जो बिल प्रस्तुत किए थे वो लंबित हैं,
मतलब लंबित जो बिल लंबित है उसके दौरान ही विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। मुझे लगता है कि बड़ी संवैधानिक स्थिति है और इसमें जो जो विशेषज्ञ है विधानसभा को चलाने वाले वो देखेंगे कि आखिर ये क्या नाम जो सारी स्थितियों को कैसे निपटा जाए। इसके साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि चूंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री इन दोनों अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके पिछले दिनों एंजियोप्लास्टी हुई है, वो अपने विश्राम भी कर रहे हैं घर पर, ऐसी स्थिति के अंदर जिम्मेदारी मंत्रियों की थी जो सदन को बिल्कुल मित्तल जी मंत्रियों की जिम्मेदारी थी, जब मंत्री नहीं सुने तो नाराज होना भी स्वाभाविक था, लेकिन जिस तरह से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया उसको लेकर भी चिंता जरूर है और माना यह जा रहा है कि क्या इसे रोल बैक किया जाता है, क्या इस फैसले पर सीपी जोशी कुछ कहते हैं, लेकिन मनाने की कोशिश भी लगातार उन्हें जारी है। रफीक खान जी सवाल देखिए, ठीक है विपक्ष है वो सवाल उठाएगा, वो कई चीजों से घेरने की कोशिश करेगा और इसे लेकर रणनीति सत्ता पक्ष भी बनाता है कि कैसे बचा जाए, विपक्ष भी बनाता है कैसे घेरा जाए, लेकिन रफीक जी जब सीपी जोशी कह रहे हैं और मंत्री उनकी बात नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी विधानसभा में नहीं है, ऐसे में जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की बढ़ जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप एक बात सुनिए कि आज सुबह जब हाउस शुरू हुआ और क्वेश्चन आवर खत्म होते ही आज विधानसभा अध्यक्ष ने स्पीकर ने एक बात बोली और ये कहा कि आज इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, इंटरनेशनल लोकतंत्र दिवस है, तो आज हमें ये मिसाल पेश करनी चाहिए। और मिसाल क्या पेश करेगी, इनके बदन दिलावर जी मैं कोट कर रहा हूं ना, गाली गलौज से पेश आते हैं, चोर उचकों की बात करते हैं, भाषा पे संयम नहीं रखते हैं, इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सही शब्दों का यूज नहीं करते हैं। शब्दों का चयन हालांकि उन दोनों ने माफी मांगी बाद में, लेकिन उन्होंने बीज वहीं से ही रोक दिया आज सुबह। जब जब आप सदन में कोई बात कर रहे हो तो सदन की एक गरिमा है और आपको विधानसभा अध्यक्ष बात शुरू करने से पहले आपको ये कह रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, आपको हमें लोकतंत्र के अंदर हमें इसकी मिसाल कायम करनी चाहिए। और मिसाल कायम तो छोड़ो, ये शब्दों का चयन आज कायदे से ठीक है रफीक जी, ये ठीक है, ये आपने कहा जिस तरह की शुरुआत हुई, दिलावर जी को सस्पेंड किया जाता ठीक है, शुरुआत हुई लेकिन बाद में उन्होंने माफी भी मांगी अभिनेश जी, लेकिन उन्होंने ग्रेस दिखाया। श्वेता जी मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सोचे क्या उम्मीद करे विधायकों से, श्वेता जी यदि पूरी कार्यवाही को निकलवा करके देखा जाए तो जो शब्दों के गलत शब्दों का प्रयोग सामने से मंत्रियों के द्वारा हुआ उसके प्रत्युत्तर के अंदर मदन दिलावर जी ने बोला और हमारे नेता प्रतिपक्ष ये तो इतने उदार विधेय है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी ये कहा मदन दिलावर जी ने जो बात कही वो उनके प्रत्युत्तर के अंदर गई और आप लोगों ने, आप सत्ता पक्ष के लोग थे, आप लोगों ने दबा करके इस तरह का फैसला कर दिया, लेकिन आप जनता के सामने जाएंगे जब पता लगेगा आपको, लेकिन बेरोजगार हो रहे हैं के अंदर बची हुई है, आपने कहा मंत्रियों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जो मदन दिलावर ने कहा वो गलत था, वो मान रहे हैं आप गलत। मदन दिलावर जी ने कहा कि यदि किसी की भावना को ठेस लगी है तो मैं माफी मांगता हूं और हम लोग ऐसे हैं कि यदि कोई गलती होगी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसके बाद में भी सदन अच्छी तरह से चले, सदन अच्छी तरह से चले, इसलिए उन्होंने सदन को कार्यवाही में लाने के लिए ये शब्द कहे। बाकी ये रफीक खान जी और ये लोग हमेशा गलत शब्दों का प्रयोग किया। रफीक जी आप कह रहे हैं कि मदन दिलावर ने कहा उन्होंने माफी मांगी, नेता प्रतिपक्ष ने कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया और नेता रफीक खान जी सीधे मंत्रियों को कोट कर रहे हैं, मंत्रियों को कोट कर रहे हैं कि मंत्रियों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। रफीक जी मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ में, अभिनेश जी कह रहे हैं ये बात, मंत्रियों ने कहा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया रफीक जी और मंत्रियों ने कहा गुस्से में निकल गई, जब ये बात आई इधर से आया कि चोर है तब उन्होंने कहा कि तुमसे बड़ा कोई चोर नहीं है। रफीक जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पे आपने लोक की हत्या कर, अरे अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस के अंदर आप लोग हो कहां लोकतंत्र में, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग हो, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग हो, नेता प्रतिपक्ष बिजली की संभाल करो, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं हर मुद्दे के ऊपर मजबूती के साथ में जनता के हितों की रक्षा करने के लिए बोलते हैं, ये आपको सेशन दिया था छाती ठोक के बात करें, आप वीडियो निकलवाओ, वीडियो चलवाओ इनके सामने, इनकी आंखें खुलेगी, हमारी तो आंखें खुली हुई है, तुम्हारी आंखें देखो कैसी आंखें तुम्हारी, क्यों कहते हैं आ जाओ मैदान में, आप तुम्हारे से ज्यादा तो कोई भी वहां पर आकर के आवेश में आता ही नहीं है, सबसे ज्यादा यदि कोई आवेश में आते हैं समझो आप लोग आते हैं, निभाओ आप लोग लोकतंत्र में आप आए हो,
अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पे आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र की हत्या तो सबसे बड़े आप हो। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट अभिनेश, एक मिनट, ठीक है दिवस पे आपने। रफीक जी ठीक है, आज के दिन कम से कम अगर थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाता, आप ये कहना चाह रहे हैं जिसकी शुरुआत ही सीपी जोशी ने की थी कि आज के दिन में हम एक मिसाल पेश करनी है, लेकिन मिसाल में सकारात्मक पेश कर रही है जो कि नकारात्मक पेश हुई। पॉजिटिव रखना चाहिए था लेकिन नेगेटिव रूप में मिसाल तो पेश हो गई, मिसाल तो देखिए पेश हो गई। लेकिन लेकिन रफीक जी सुनिए, एक सेकंड, रफीक जी देखिए अभी भी वही हो रहा है सर, सुनिए रफीक जी, अभिनेश जी अभी भी यहाँ पर भी वही हो रहा है सर, जो हम सवाल करना चाह रहे, जो बात करना चाह रहे उस पर बात नहीं, आप अपनी बात रखेंगे, दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, वक्त खत्म हो जाएगा। विधानसभा में भी यही देखने को मिला, अगर आप सवाल कर रहे थे तो मंत्री ने वहां जवाब नहीं दिया, हंगामा होता गया, कई बार स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही को। रफीक जी एक अहम सवाल, ठीक है आपने कहा कि मदन दिलावर ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, भले बीजेपी नहीं मान रही हो, लेकिन मंत्रियों ने क्या कहा सर, मंत्रियों ने क्या कहा, क्या मंत्री संयम के साथ बैठे थे, क्या मंत्रियों ने जवाब जब दिया तो शब्दों का ध्यान रखा? रफीक जी नहीं दिया, इनके पास में जवाब नहीं है, बिल्कुल साफ ध्यान रखा, इनके पास में कोई जवाब नहीं है, शब्दों का ध्यान रखा, मंत्री तो बोले ही नहीं, मंत्री तो बोले ही नहीं, मंत्री को बोलने ही नहीं दिया, मंत्रियों ने यही किया, मंत्रियों ने भी ध्यान नहीं रखा, बीच में खड़े हो रहे थे, इसीलिए हंगामा हुआ, मंत्रियों ने हंगामा मचाया, आपने मंत्री को बोलने नहीं दिया, दबाने की कोशिश की, विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, करके आवाज अल्लाह करने लग गए, हमारी बात को बीच में रोक दिया गया और विपक्ष की आवाज को दबाया गया, कुल मिलाके ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, देखिए किसी की तरफ से कोशिश ये नजर नहीं आई, सारे लोगों ने देखा है, शांति से ये कार्रवाई चल सके किसी की तरफ से नजर नहीं आया, किसी की तरफ से नजर नहीं आया। रफीक जी एक मिनट, सभापति को ये कहना पड़ा, सभापति को ये कहना पड़ा, अध्यक्ष ने क्या कहा आपके मंत्रियों को, शब्दों को हटाओ इसमें से, मंत्रियों के विवाद इस पर क्या कहेंगे, डॉक्टर सीपी जोशी भी नाराज हुए, पहले दो बार इनके मंत्रियों पर नाराज हुए, बात करिए सर, नाराज हुए इनके व्यवहार पर नराज हुए और उन्होंने अनिश्चित काल के लिए। एसपी मित्तल जी अभी आपने सुना, देखिए एसपी मित्तल जी, अभिनेश महर्षि जी को भी सुना, रफीक खान जी को भी सुना, दोनों ने आज दिन भर जो हुआ किसकी वजह से हुआ वो भी बोला, एक दूसरे पर आरोप भी लगा यहाँ पर भी, लेकिन एसपी मित्तल जी सवाल ये है कि देखिए आम जनता जो दिन भर कार्रवाई देख रही थी क्या हो रहा है, वो क्या उम्मीद लगाकर रखे विधायकों से, बहुत लिमिटेड वक्त, जिस तरह से 18 तारीख तक ही ये कार्रवाई चल रही थी, बहुत सारी चीजें जो पेंडिंग में हैं, और जितने दिन थे उससे कम वक्त में ही ये कार्रवाई चल सके और उसके बाद आज ये होना, क्या उम्मीद जनता रखे विधायकों से? श्वेता जी यही मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सीपी जोशी साहब है वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह ये सत्र चले, ये सदन चले, लेकिन जिस तरीके से आज सीपी जोशी साहब को उत्तेजित होना पड़ा इस बात को लेकर कि मंत्री भी उनकी बात नहीं सुनते थे, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के अंदर है, उनके विधायक बैल में आ गए, मुझे लगता है कि शायद उनको बैल में नहीं आना चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा नाराजगी जो सीपी जोशी साहब की थी वो इस बात की थी कि मंत्री लोग उसमें कहना नहीं मान रहे थे, और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि जो असली जो विवाद हुआ वो जो संसदीय मंत्री है शांति धारीवाल जी उनसे हुआ, जबकि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में सदन को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो संसदीय मंत्री जी की होती है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज जो स्थिति सामने गलत मई था, राजस्थान विधानसभा में आज तक इतिहास में ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला, जब आपके मन से बात करें वो तो सही और सही। बाकी सारी गलत, राजस्थान की पूरी जनता गलत, कांग्रेस के जितने भी नेता थे उनका ये बार बार कहना था कि इस सत्र को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान विधानसभा में वही नियम लागू होता है कि इस सत्र को चलाने की, इस विधानसभा को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। रफीक जी अब इस पे आपका रिएक्शन, आप कुछ कह रहे थे, जिम्मेदारी किसकी बनती है, और मुख्यमंत्री नहीं है संसदीय मंत्री पर भी होता है, लेकिन नाराजगी अगर मंत्रियों से ही हो जाए स्पीकर की फिर क्या कहें कि संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होके ये बोला कि हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, जो आप कह रहे हो वो मान रहे हैं, फिर उन्होंने कहा लेकिन
वो और कुछ कहते हैं इससे पहले स्पीकर साहब, स्पीकर साहब गलत है, ये स्पीकर साहब को गलत ठहरा रहे हैं और हाउस को चलाने की जिम्मेवारी सरकार की है। और जिस तरह का वातावरण उससे पहले हो गया था, ये आधा आधा घंटे दो बार सदन स्थगित कर दिया और इनके उपनेता बोले कि हम प्रताप सिंह खाचरियावास को आज भी नहीं बोलने दिया और आगे भी नहीं बोलने देंगे। अरे भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है क्या? बोले इनको ये लगा कि ये राजपूत नेता मेरे से आगे निकल रहा है। इस राजपूत नेता की एक्सेप्टेबिलिटी मेरे से इनका चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया है। उदयपुर का प्रधानमंत्री है नेता और उदयपुर में जो ये जातिवादी की बातें करते हैं। रफीक जी क्योंकि बात भी खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। रफीक जी कार्रवाई सुनिए सुनिए पहले बात। ये राजपूत नेता कहां से आ गया? बोलने नहीं दिया। ये राजपूत नेता कहां से आ गया? आपने सवाल खड़े किए थे रफीक जी, जवाब दे रहा था। रफीक जी आप भी जवाब दीजिए ना सर, सवाल का। रफीक जी सवाल का जवाब रफीक जी राजपूत नेता कहां से आ गया? कौन किसके आगे ना निकल जाए? क्या विधानसभा के अंदर बैठ के भी ये सब चलता है क्या? इनके यही होता है। कायदे से डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को आपस में झगड़ा चलता रहता है और उससे इनको जातियां याद आती हैं। ये जातियों में बांट करके लोगों का शोषण करते हैं। क्या इसका मतलब? चार घंटे कांग्रेस के सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे जवाब आपसे चाहिए। लोकतंत्र भाई आज ठीक है, हंगामा बरपा सुबह से, आज हंगामे का दिन ही रहा, इंतजार किया जाने की शायद परसों से चल सके कार्रवाई। क्या विपक्ष का इसी तरह का एजेंडा है? क्या यही रणनीति बनी हुई है या फिर कार्रवाई चलने देने का है? विपक्ष का एजेंडा सिर्फ जनता की सेवा के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाकर राजस्थान की सरकार की आंख खोलने का काम है। उसको हम बखूबी निभाएंगे आने वाले समय के अंदर की रक्षा के लिए हम अड़िग खड़े रहेंगे और लोगों ये तय करके आएंगे। आज हम आगे बढ़ते रहेंगे, इन लोगों की कुचेष्टा हम देश के मन में खलबली मची हुई थी समय के लिए, जिस तरीके से शेर की तरह दहाड़ रहा है मंत्री के लिए कृत संकल्प जवाब दे रहा है। हर मुद्दे पे पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट एसपी मित्तल जी, लास्ट कमेंट। हंगामा आज हुआ है लेकिन उम्मीद क्या की जा रही है? अब आगे अनिश्चितकाल के लिए तो जरूर स्थगित किया गया लेकिन उम्मीद कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिल रही थी परसों से शुरू हो सकता है सत्र। श्वेता जी, जहां तक मेरी जानकारी में है कि सारे मामलों को लेकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी काफी व्यथित हैं और उन्होंने शायद सभी मंत्रियों को इस बात के लिए कहा है कि वो जाके सीपी जोशी साहब से बात करें। और आज पूरा मंत्री पूरी कैबिनेट सीपी जोशी साहब के पास गई भी है, उनसे आग्रह भी किया है, क्योंकि अब एक माफी मांग रहा है कि अभी बिल लंबित पड़े हैं और जो सत्र है वो अभी क्या नाम से बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल जी, रफीक खान जी और अभिनेश महर्षि जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए एक बात तो साफ है, ये विधायक है, जनप्रतिनिधि है, अपने प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, प्रदेश की जनता और जो समस्याएं हैं जनता को उसको आवाज बुलंद करते हैं ताकि समाधान उसका हो सके। बहस होती है, बिल्कुल होती है विधानसभा के अंदर, लेकिन हंगामा जिस कदर होता है और हंगामे की भेंट जब कार्रवाई चलती है तब बहुत दुख भी होता है, नुकसान भी होता है और जनता भी दुखी होती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिसलिए सत्र बुलाया गया है, जिसलिए विधानसभा की कार्रवाई चल रही, जिस लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें पूरी करनी, खासतौर से उन बिल को लेकर भी चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। अब ऐसे में उम्मीद कहीं ना कहीं जनता भी कर रही है और सत्ता पक्ष विपक्ष से भी उम्मीद कर रही है कि कम से कम अगर कार्रवाई फिर से शुरू होती है तो शांति बनाकर रखे, मुद्दों पर बात की जाए, सार्थक बहस यहां पर हो, कोई फैसला निकले तभी सार्थक विधानसभा की यह कार्रवाई, वरना तो यह फॉर्मेलिटी की तरह ही रह जाएगी जो कम से कम प्रदेश की जनता नहीं देखना चाहती। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।